शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता कार्रवाई पर निर्णय लेने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई देरी के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में अवैध रूप से बने रहने की अनुमति देने के लिए अयोग्यता याचिका पर फैसले में देरी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय में फैसला करना चाहिए, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था। शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु के द्वारा नवीनतम याचिका में कहा गया है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कि लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उचित अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए, स्पीकर ने माननीय न्यायालय के फैसले के अनुसार एक भी सुनवाई नहीं करने का फैसला किया। याचिका में कहा गया, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष एक न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है और इसे बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का जिक्र करते हुए कहा गया, निष्पक्षता की संवैधानिक आवश्यकता स्पीकर को अयोग्यता के सवाल पर शीघ्रता से निर्णय लेने का दायित्व देती है, जिसमें यह माना गया है कि अयोग्यता याचिकाओं पर आमतौर पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर अपने हालिया फैसले में शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने सदन में शक्ति परीक्षण का सामना करने से पहले स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया था। 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से माना कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बहुमत साबित करने के लिए ठाकरे को बुलाना उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का पद खाली होने के बाद एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना उचित था। सुनील प्रभु के स्थान पर भरत गोगावले को शिवसेना के मुख्य सचेता के रूप में मान्यता देने के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय को कानून के विपरीत घोषित करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा था कि सदन में विहिप और पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल करता है, न कि विधायक दल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।